जो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से इस मंत्र को जपें तो दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो आज के दिन मिलेगा नहीं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और भगवान नारायण का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा कोई सा सुख नहीं है जो प्राप्त नहीं होगा। रात्रि के समय 14 दीप लगाएं आप किसी भी कामना से और इस मंत्र को पढ़ें, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें, धन संपदा के लिए होता है। और यदि कोई बड़ा रोग है, लकवा है जैसे, तो घर में यदि शिवलिंग है तो रात्रि में ही आप अपने घर में 12 बजे से 12:30 बजे के बीच सरसों का तेल शिव जी को समर्पित कीजिए और इसी मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बेलपत्री चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं शिव जी को और इस मंत्र का जाप करते जाएं। पैरालिसिस है तो तेल को बोतल में भरकर ब्रह्म मुहूर्त में रख लें, जैसे 11 से 12:30 बजे के बीच में आपको तेल चढ़ाना है और मंत्र का जाप करते जाना है, तुलसी दल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम तो सूरज की किरण ना पड़े उस पे, उससे पहले आप उसे एक बोतल में भर के रख लें। 5 दिन आप मालिश करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें सुबह शाम दीप का महत्व नहीं होता है, मध्य रात्रि में दीप का महत्व होता है। और ऐसा कोई सुख नहीं है जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्राप्त नहीं होगा, तो अवश्य करके देखें। आप जो भी कामना करेंगे आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।